हमारे तो उच्च शिक्षा मंत्री महान है, यहाँ पे अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं धरनों पर, कभी कोई धरने पे आ जाता है, उनके तो कई विभाग हैं और कई विभाग के कई लोग जो है वो धरने पे बैठे रहते हैं। अभी अतिथि शिक्षक गण जो है वो बैठे हुए हैं धरने पर। अब जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उस समय अपने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने ये बात, इनकी बात उठाई थी, इनके मानदेय को बढ़ाने की बात है, इनके गृह जनपदों में इनको तैनाती देने की बात, इनके पदों को रिक्त न माना जाए, ये सारी बातें जो है इनकी मांगे थी। फिर आया ये 2021 में, कहा गया कि हाँ हाँ इनके मानदेय को बढ़ा दिया जाएगा। और कौन थे मुख्यमंत्री बताइए, हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी अगस्त 2021 में, मगर ठीक है जी वो भूल गए, शायद 8 अगस्त की बात है। अरे आज भी अगस्त ही चल रहा है ना। अच्छा तो मतलब 3 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, 3 साल हो गए, मगर आप भूल गए कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं इतने सारे विभाग हैं, इतने मंत्री, और पता नहीं कब कुर्सी चली जाए, कब कौन मुख्यमंत्री बन जाए, या तो एक ये प्रॉब्लम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब अतिथि शिक्षक जो हैं वो शिक्षा निदेशालय में बैठे हुए हैं, कभी उठ जाते हैं और चल पड़ते हैं जी सचिवालय, कूच कर देते हैं है ना, और कभी उठ जाते हैं कैंडल मार्च ही निकाल देते हैं, कभी उठ जाते हैं मुख्यमंत्री आवाज कूच, कभी, अरे भाई कब तक चलेगा ये मुख्यमंत्री जी, ये धरनों का प्रदेश आपने बना दिया, आप ये बताइए कि कब तक चलेगा। आपको ये कैंडल रात को जलाना अच्छा लगता है तो भैया कहीं कैंडल लाइट डिनर ही कर लीजिए। ये अतिथि शिक्षकों से, शिक्षा निदेशालय से लेकर ये कैंडल लेके मार्च कराने का क्या मतलब होता है, मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन अब देखिए कि कमाल की बात ये है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में 2022 में जब चुनाव आ गए सौ रुपये, तब इन्होंने कहा कि इनकी जो 3 मांगे हम इनकी पूरी कर रहे हैं। कौन कौन सी मांगे, सुबोध उनियाल जी की इस बाइट को सुन लीजिए। साथ जिसमें बहुत समय से आपको मालूम है अतिथि शिक्षक राज्य में अपने वेतन को बढ़ाने के साथ साथ कुछ और उनकी मांगी थी, कल उसके सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ इनमें जो मनरेगा, जो ये अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, ये पहला निर्णय था। सुन लिया ना आपने इन्होंने क्या कहा कि अतिथि शिक्षकों के जो मसले हैं हम उनको हल करेंगे। कौन से मसले हैं, वही वाले जो पुराने चले आ रहे हैं। तो इनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, इनको गृह जनपद में तैनाती, और इनके पदों को रिक्त न माना जाना। और आपने सुन लिया ना कि इनका जो मानदेय है उसको बढ़ाकर 15 से 25 हज़ार की बात हुई थी, आज तक पता नहीं कि हुआ या नहीं। लेकिन ये अतिथि शिक्षक जो है पूरे राज्य के करीबन 40 हज़ार, वो फिर पहुंच गए देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। वैसे ही बरसात हो रही है, वैसे ही कैरिंग कैपेसिटी ठीक नहीं चल रही यहाँ पे, वैसे ही इतने बिजी चल रहे हमारे मुख्यमंत्री, अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं, और आपको पता नहीं है कितने लोग खूब खींच रहे हैं उनकी कुर्सियों को, और आप लोग यहाँ बैठ गए उसके बाद कह रहे हैं हमने किसी पार्टी को नहीं बुलाया, जो आना चाहता है वो आ जाए। तो फिर अगर इतना ही डरना है तो भैया आपका साथ कोई नहीं देगा, अगर डर खत्म करोगे तो अपने आप लोग आ जाएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि आप लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी पार्टी का समर्थन लिया तो हम उस पार्टी के कहलाए जाएंगे। अरे भाई दिमाग इस्तेमाल करो, आप लोग इस देश के नागरिक हैं, और मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को कहना ये आपका अधिकार है। अगर वो आपकी बात सुन ले तो बहुत अच्छी बात। और मैं 3 साढ़े 3 साल, बल्कि उसके पहले से, 2019-19 से मैं देख रही हूँ ये सब, तब से देख रही हूँ, ये नहीं 2017 से देख रही हूँ, बल्कि ये सब चला ही आ रहा है। अगर ये सब हो रहा भाई, तो ये डरने की जो ये पूरी की पूरी आपकी वो बिहेवियर है ना, इसको ख़त्म करिए। आप इस देश के नागरिक हैं, आपने सरकार चुनी, सरकार से मांग करी, सरकार ने सुनी नहीं, आपकी तरफ देखा नहीं, आपसे वार्ता नहीं, तो क्या करेंगे, विपक्ष को बुलाएंगे, विपक्ष को बुलाइए। हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं ही पूरा विपक्ष हूँ, लेकिन डरिए मत ना, मुझ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी जो है उनको हम आने दे रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे, ये कौन सी वाली नाटकबाजी है। अरे आपको कहना चाहिए कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष हमारे साथ आए, हमारा शील्ड बने। विपक्ष का काम क्या होता है,
जनता को समझना चाहिए कि जब सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष को अपना शील्ड बनाया जाता है। सामने विपक्ष होगा तो सरकार सुनेगी भी, और सरकार आपके ऊपर, आपको टारगेट करने के पहले वो विपक्ष को टारगेट करेगी तो आपका बचाव होगा। ये सिस्टम बनाया गया है, इसलिए ये सब चीज़ों में से ना बाहर निकल लिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब ये देखिए, ये कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, कभी कभी चले जाते हैं सचिवालय कूच, कभी मुख्यमंत्री कूच। मतलब ये क्या है, मुख्यमंत्री जी कब तक चलता रहेगा? आपने वादा किया था, भूल गए, ये वादा कब निभाओगे? खैर, अब वो तुम तो दगाबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, याद है गाना? खैर, अब ये हिंदुस्तान की खबर है जिसमें मांगों पर ठोस कार्यवाही होने पर ही आंदोलन वापस लेंगे अतिथि शिक्षक। ये सब जुटे हुए हैं इस वक्त शिक्षा निदेशालय में, और धरने में कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी, महामंत्री दौलत जगूड़ी, संजय नौटिया, राकेश लाल, हितेंद्र मेठानी, वंदना शिखरावत, दीप्ति सुशीला वगैरह मौजूद है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक भट्ट और मनीष भट्ट, ये सारे लोग मौजूद हैं। भाई मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए इनकी बात, ये भी यहाँ पे डटे हुए हैं, ये फिर हर साल का ड्रामा आप करते हैं और सोचते हैं कि चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो आपने तो राजनीति लंबी करनी है ना, तो इस ये सब मांगों को पूरा करेंगे तभी तो करेंगे, वरना जनता भी भूल जाएगी। तुम तो दगाबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।